जब हम राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र को साथ लेकर चलते हैं, तो राष्ट्र में काफी समस्याएं भी होती हैं, और वो समस्याएं हर दिन हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। मासिक राम कथा में पहली बार मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी मासिक राम कथा हो और मासिक धर्म की बात को उठाया गया हो। ये एक आश्चर्य लगेगा, मासिक राम कथा और मासिक धर्म। मुझे लगता है कि अगर आपको पूरे राष्ट्र को शक्तिशाली राष्ट्र बनाना हो, सफल राष्ट्र बनाना हो, उसके लिए सफल माँ चाहिए। अगर सफल माँ होगी तो सफल संतान होगी, शक्तिशाली संतान होगी तो स्वस्थ समाज होगा, और स्वस्थ गर्भ बनाने के लिए माँ को स्वस्थ बनाना होगा, और माँ को स्वस्थ बनाए रखने के लिए ये जो मासिक धर्म है ना, ये माँ से जुड़ा है, पिता से नहीं। माँ से जुड़ा है, पिता से नहीं। इसलिए माँ स्वस्थ, वो तभी स्वस्थ जब माँ का मासिक धर्म स्वस्थ। आज का दिन क्यों चुना गया 28 मई? क्योंकि 28वें दिन ये मासिक धर्म शुरू होता है और 5 दिनों तक लगभग रहता है। तो 5 दिन था तो ये याद रहे लोगों को, समाज को, कि 5वां महीना इसलिए चुना गया कि 5 दिन रहता है, तो 5वें महीने को चुना, 28 तारीख को चुना, क्योंकि 28 दिन लगभग 28 दिन तक स्वस्थ मासिक धर्म की शुरुआत हो जाती है। तो 28 मई को आज के दिन पूरे समाज को जगाने के लिए, मातृशक्ति के प्रति पुरुष शक्ति को जिम्मेदारी देने के लिए, और मातृशक्ति को एक अपने कंधों पर, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को एक नया जागृत वातावरण प्रदान करने के लिए आज का दिन यूनाइटेड नेशन ने चुना कि अगर स्वस्थ माँ होगी तो स्वस्थ बच्चा होगा, स्वस्थ बच्चा होगा तो स्वस्थ समाज होगा, सशक्त और समृद्ध समाज होगा। इसलिए आज के दिन निश्चय किया गया कि भारत की हर माँ को और भारत की हर बेटी को, भारत की हर बहू को जगाए रखना होगा, और उसके लिए आज हम लोग संकल्प करेंगे। कल हमने किया था गंगा आरती में, मुझे तो लगता है गंगा आरती हो या राम कथा हो या भागवत कथा हो, ये व्यासपीठ की सचमुच उदारता है कि ऐसे चरित्रों को इस माध्यम से और ऐसे इश्यूज को अगर इस माध्यम से उठाएंगे तो मैं समझता हूँ ये पूरा समाज जागृत होगा। अगर स्वस्थ गर्भ नहीं है, स्वस्थ माँ नहीं है और स्वस्थ मासिक धर्म नहीं है, तो ये पक्की बात है उसका दायित्व पूरे समाज का है। केवल डॉक्टरों के पास जाना कोई इस बीमारी का इलाज नहीं होगा, बल्कि कोई शर्म ना करे, हमें अपनी चुप्पी को तोड़ना होगा। ये संकोच होता है लेकिन इस शर्म को तोड़ना होगा, अपनी बेटी को बताएं, अपनी बेटी को समझाएं, बेटा ये गंदी बात नहीं है, ये कोई तुच्छ बात नहीं है, ये कोई शर्म वाली बात नहीं है, तुम्हें इसको समझना है, समझकर खुद को जगाना है और पूरे समाज की हर बेटी को, अपनी हर बहन को जगाना है। हम संकल्प लेंगे कि एक एक बेटी, एक एक माँ, एक एक बहू कथा से जाकर बेटी बेटी को जगाए, माँ माँ को जगाए, और नारी शक्ति का एक संकल्प हो कि हम नारी शक्ति को जगाएंगे और पुरुष समाज उसमें सहयोग करेगा। हाथ खड़े करके हम एक संकल्प ले रहे हैं, आज हम अपने परिवारों में अपनी बेटियों को जगाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे और एक नए समाज का, एक नए स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। भारत माता की, हाथ खड़े रखेंगे ऊपर, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।